नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम त्रिलोक शर्मा, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद। अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल को मैंने स्टार्ट किया और आपने के व्यूज़ आना चालू हो गए, आपके कमेंट्स आना चालू हो गए, कुछ लिसनर ने तो मुझे सब्सक्राइब भी किया। तो आपके सब्सक्राइब, आपके व्यूज़ का प्यार देखते हुए आज का मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है और उनके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं है। तो मैंने यह कोशिश की है कि आप पेपर पे प्लान कैसे दिखा सकते हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग है। तो ध्यान से सीखिए और देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे काफ़ी जगह घूमने का मौका मिला, तो मैं इस चैनल पर आपको नई नई जगहों से भी अवगत कराता रहूँगा। आपको नए नए वीडियोस आपको ट्रैवलिंग में मदद देंगे मेरे, और साथ ही आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें भी देखते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका प्यार, आपका दुलार यूं ही मिलता रहेगा, और आगे के वीडियो देखने के लिए उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, लव यू ऑल। रेडी। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये चेन्नई की कंपनी है। इसकी स्थापना 2013 में हुई और हमने पहला ब्रांड लॉन्च किया जो था ऑन एंड ऑन। ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। इसके ठीक एक साल बाद हमने लॉन्च किया एलिमेंट। ये भी एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये आयुष से सर्टिफाइड है। आयुष का फुल फॉर्म बताऊं अगर मैं आपको, तो आयुर्वेदिक यूनानी योगा सिद्धा होम्योपैथी। इनको प्रमाणित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाया, तो ये वही संस्था है और इससे हमें प्रीमियम मार्का मिला हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स को एलिमेंट के। और अभी हाल ही में एक साल पहले हमने न्यू स्टार आहार और MI करके और ब्रांड्स लॉन्च किए जिनमें और बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले। अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूँ तो बड़े बड़े साइंटिस्टों का हमारे साथ टाई अप है। पीटर जॉन्सलिंग इंग्लैंड के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, गार्लिक किंग के नाम से जाना जाता है इनको। इन्होंने शुगर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट बनाया है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मिस्टर सातीलाल पाटिल कृषि आइकन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड खेती से रिलेटेड काम देखते हैं, अभी हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, खेती से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। डॉक्टर DBA नारायणा बहुत मशहूर नाम है आयुर्वेद के अंदर। लगभग मैं कहूँ तो 48 साल का एक्सपीरियंस होगा इनको। डाबर रेनबैक्सी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बना चुके हैं, अब ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और एलिमेंट्स के अधिकतर प्रोडक्ट इन्हीं के फॉर्मूले पे बने हुए हैं। मिस्टर KK राजेश मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, IIM कलकत्ता से पास आउट हैं, MBA वहाँ से किया है इन्होंने, तो मार्केटिंग सारा ये देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके, मार्केटिंग सारा ये साइंटिस्ट देख रहे हैं। डॉक्टर KC गवर्धन जी कॉस्मेटिक आइटमों के स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटिक सारा हम इनसे बनवा रहे हैं, इनके फॉर्मूले पे बनवा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो धीरे धीरे टाई अप हो रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से लगभग 15 से 20 साइंटिस्टों की टीम हमारे साथ टाई अप है जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी मदद कर रही है। तो अब मैं प्रोडक्ट पे आऊँ तो सबसे पहला नाम है 9E5। ऑन एंड ऑन ब्रांड हमारा, जिसका सबसे फेमस प्रोडक्ट 9E5 एंटीऑक्सीडेंट है। ये 13 तरह की दुर्लभ बेरियाँ आती है जिनके मिश्रण से ये बना हुआ है। इन सारी बेरियों के अलग अलग फायदे हैं, जैसे कैंसर में फायदा देती है कुछ बेरियाँ, कुछ लीवर को सही रखती है, कुछ आंखों को सही रखती है। तो इस प्रोडक्ट के जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं हमें। कई लोगों का थायराइड नॉर्मल हो गया, जो MG की गोली लेनी होती है वो बिल्कुल बंद हो गई। कई लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, बहुत सारी बीमारियां ठीक की, जैसे लीवर रिकवर किया है, किडनी में इन्फेक्शन था वो रिकवर किया है। कई लोगों को इन्फेंट्री की प्रॉब्लम थी, मतलब बच्चा नहीं लग पा रहा था। तो ऐसे कई माता पिता हैं जिनको माता पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ है इस प्रोडक्ट को लेने से। इसके बाद मैं अगले प्रोडक्ट की बात करूँ तो न्यूट्रलाइफ है। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, पढ़ाई लिखाई में कमजोर हूँ, उनको दे सकते हैं अपन। ये वनीला और मैंगो फ्लेवर में आता है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है महाभृंगराज। ऐसे बच्चे जिनकी बाल झड़ते हों, ऐसे बड़े जिनके बाल झड़ते हों, जिनको दे सकते हैं अपन। इनमें पौधे की जड़ें साथ आती है इस ऑयल में। इसकी खासियत है ये 15 से 30 दिन के अंदर अंदर बालों को झड़ना बिल्कुल बंद कर देता है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है स्पायलूना। समुद्र में सेवाल्स होती है जैसे काई कहते हैं, काई से बना हुआ है। नासा ने इसकी खोज की थी। एक तरह का फूड सप्लीमेंट है जो खाने की कमी को की पूर्ति करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है शरीर की, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और बहुत सारी बीमारियों में यह भी लाभदायक है क्योंकि ये शरीर में लड़ने की रोगों से ताकत बढ़ाता है। कवच प्राश ऑल सीजन फॉर्मूला है, पूरे 12 महीने से लिया जा सकता है। ये भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और खांसी और कफ में बहुत अच्छा काम करता है। ये कमिंग सून प्रोडक्ट है हमारा डॉक्टर NOC। कई लोगों की आदत होती है गुटखा बीड़ी सिगरेट ये लेने की, तो उसमें निकोटिन होता है जो आगे चल के ओरल कैंसर का कारण बनता है। तो जल्दी हमारा ये प्रोडक्ट आने वाला है जो ओरल कैंसर से लड़ने में सक्षम है। ये प्रिवेंट करेगा, ये कैंसर नहीं होने देगा इन चीज़ों से।
इंटरनेशनल प्रोडक्ट डाइबा लाइफ पहले किसी के पास था नहीं, अभी हमारे अलावा कोई बेच नहीं सकता क्योंकि इसको हमने पेटेंट करवा लिया। लहसुन से बना हुआ प्रोडक्ट है, 36 पोती लहसुन के खा लें अपन या एक टेबलेट ये खा लें, बात बराबर है। शुगर को कंट्रोल करता है 4 महीने के अंदर अंदर, लेकिन इसमें पहले HbA1c की जांच करानी होती है आपको, शुगर लेवल आपका 4 महीने में क्या रहा है, उसके बाद इसका डोज डिसाइड होता है कि कितना लेना है, उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर आता है, बॉडी बनानी हो, मसल्स बनानी हो, शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई हो तो इसको ले सकते हैं। चारों तरह के प्रोटीन मौजूद है इसके अंदर और ये 100% आयुर्वेदिक है, 80% प्रोटीन की मात्रा है, जबकि बाजार में प्रोटीन की मात्रा आप प्रोटीन पाउडर लेने जाएंगे तो 40 या 50% ही मिलेगी। कॉस्मेटिक में आऊँ तो 3 तरह के लोशन आते हैं, रेड हर्बल पेस्ट आता है, कई लोगों को डाबर का लाल दंत मंजन या मैं कहूँ और दूसरे जो लाल दंत मंजन आते हैं वो करने की आदत होती है, तो हमारा ये पेस्ट बिल्कुल वैसे फ्लेवर में है, आप अगर ये यूज़ करते हैं तो आपको वैसा ही स्वाद आएगा, वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। और ये 9 तरह की जड़ी बूटियों से बना हुआ है। बॉडी एलिमेंट क्रीम आती है बॉडी के लिए, गुलाब की खुशबू में बहुत ज़बरदस्त हैंड वॉश आता है, हाथ धोने के बाद आपके हाथों में गुलाब की खुशबू रहेगी। एक्ने और पिंपल के लिए 3-in-1 फेस वॉश आता है, 2 तरह की एंटी एजिंग क्रीम आती है जो चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, चेहरे को खूबसूरत बनाती है। अंडर आई जेल आता है आंखों के काले धब्बों के लिए, डार्क सर्किल हो जाते हैं अधिकतर लोगों के ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा टेंशन में रहने से, तो ये डार्क सर्किल को दूर करता है। फिलिंग सिर्फ आता है कैप्सूल फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, आयरन की कमी हो गई हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो तो इसको लिया जा सकता है। यूरी फ्लश हमारा जबरदस्त वायरल प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और अधिकतर शॉर्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, किसी को भी अगर पथरी हो तो ये अंदर के अंदर पथरी को गला देता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कैप्सूल और लिक्विड दोनों में अवेलेबल है। लीवर गेन, लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या, खाना पचता नहीं हो, एसिडिटी रहती हो, जलन रहती हो, खट्टी डकारे आती हो तो उस पर काम करता है। वुमेन कंपेनियन, औरतों में मंथली साइकिल से रिलेटेड कोई समस्या हो, टाइम से नहीं आते हो, चूक आते हो तो उनको दिया जा सकता है। ब्लो 37, कभी भी बुखार चढ़ जाए तो इस कैप्सूल को लिया जा सकता है, नॉर्मल कर देता है टेम्परेचर को तो बुखार कम हो जाता है। डेली डिटॉक्स, आप इसे अंदर का साबुन कह सकते हैं, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ऐसे अपने आपको अपनी बॉडी की सर्विस करनी चाहिए, तो ये अंदर से पूरी बॉडी की सर्विस करता है, अंदर से पूरा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हर्बल पेस्ट, कमाल का पेस्ट है ये, दांतों की कैसी भी समस्या हो हर समस्या में एक ही पेस्ट काम करता है। आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे कई बार फ्रेशनेस के लिए अलग लाओ, दांत चमकाने के लिए अलग लाओ, पायरिया के लिए अलग लाओ, ये सारा पेस्ट हर चीज़ पे काम करता है, अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है, सेंसिटिविटी को भी आप इससे दूर कर सकते हैं। और प्योर आयुर्वेदिक मैन शक्तिमान, ऐसे पुरुष जो अपनी लविंग डिजायर को बढ़ाना चाहते हो वो इस कैप्सूल को ले सकते हैं। चंपी चैंपियन तेल, बाल खाल गाल तीनों जगह लगाया जा सकता है, दर्द में लगाया जा सकता है। वेल हार्ट, ऐसे मरीज जिनको हार्ट अटैक आ चुका, आजकल भारत में हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लमों में सुधार लाता है। उसके बाद है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उनको दिया जा सकता है, जैसे पिंपल हुआ या चर्मरोग हुआ। नोवेदना कैप्सूल और नोवेदना जेल दर्द के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, ये जॉइंट से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कैसा भी दर्द हो। फेयरनेस क्रीम आती है बहुत अच्छी क्वालिटी की, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। वाउंडिलिंग क्रीम आती है, कटने जलने छिलने में के घाव भर देती है। कफनेल, कैसी भी खांसी हो, गीली सूखी, बच्चे को, बूढ़े को, डायबिटीज़ के मरीज को, हर तरह की खांसी पे काम करती है। एमिनो 3, हर्ड बर्ड आंवला का नाम सुना होगा आपने, त्रिफला चूर्ण आता है, ऐसा कैप्सूल बना दिया है हमने तो लेने में आसानी रहेगी, कड़वा भी नहीं लगता और डाइजेशन पे काम करता है। फाइट स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव हो, स्ट्रेस हो, इसको लेके दूर किया जा सकता है। अगला प्रोडक्ट, 2 तरह के शैम्पू हैं, कंप्लीट केयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, प्योर आयुर्वेदिक हैं ये भी, किसी तरह का इनमें केमिकल नहीं है। रेडियंट ग्लो फेस वॉश आता है, फ्रेशो गार्ड करके पेस्ट आता है फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए। मेल्ट फेल्ट करके हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसमें नारंगी का चूरा, पपीते का चूरा, हरी चाय का चूरा, इसबगोल की लस्सी और चावल का अश्क है, मोटापा कम करने का काम करता है। लग्जरी साबुन आते हैं हल्दी, चंदन, नीम, स्ट्रॉबेरी, पपीते में। इसके बाद खेती से रिलेटेड 10 प्रोडक्ट है हमारे पास जो जैविक खेती के जरिए फसल की पैदावार को 2 से 3 गुना बढ़ा रहे हैं और इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट, लोग यूपी, हरियाणा, राजस्थान, साउथ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके अलावा बॉडी बटर क्रीम आती है। होम केयर रेंज की बात करूँ तो टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, बर्तन धोने का लिक्विड है, टब है। हमारा टॉयलेट क्लीनर मार्केट में जो और टॉयलेट क्लीनर आते हैं उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जैसे अभी मैं बात करूं 500 ml का रेट सिर्फ 75 रुपीज़ है, तो कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है। और भी बहुत सारी रेंज है, जैसे 20 रुपए की रेंज में शैम्पू है, 100-100 रुपए की रेंज में फेस वॉश है, स्क्रब है, आंवला हेयर ऑयल है, टेलकम पाउडर है, 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक की रेंज में सोप्स हैं, वैसलीन है, हल्दी मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है। ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ था आज से तकरीबन 2018 में मुंबई के अंदर पानवेल में, जिसमें लगभग 65,000 लोग थे और इसमें रामविलास पासवान जी भी आए थे और जो डायरेक्ट सेलिंग
आने वाले टाइम पे कितना बढ़ने वाली है वो बता के गए थे। अभी रिपीट हम ऐसा ही प्रोग्राम जनवरी में करने वाले हैं, वहीं पनवेल में करने वाले हैं, और मेरे को लगता है इस बार संख्या पहले से भी ज़्यादा होने वाली है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इस बार मुंबई में। तो अब तक मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, अब आपको यहाँ से इनकम कैसा आएगा एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ से इनकम कैसा आएगा, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है लोग पैसा कमाते कैसे। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जापान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में उन्होंने बताया दुनिया में सिर्फ चार ही तरीके हैं पैसा कमाने के और कोई पांचवा तरीका नहीं है। वो है ESBI। ई से मेरा मतलब है एम्प्लॉय, लोग नौकरी पे जाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। एस से मेरा मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, लोग छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई थल पे फल सब्जी बेच रहा है। बी से बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी जैसे अनिल अंबानी, रतन टाटा। आई से इन्वेस्टर, पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। इन चारों को दो भागों में बांटा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय धरती पे 95% है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर केवल 5% है। लेकिन अगर मैं पैसों की बात करूं तो मामला उल्टा है। 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है यानी मनी है, और ये 95% लोग दुनिया के 95% दौलत पे, ये 5% लोग दुनिया के 95% दौलत पे राज करते हैं। सहमत है आप मेरी बात से? जी सर। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने शोध किया और पता लगाया इसके पीछे कारण क्या है। तो 6 कारण सामने आए। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाला, छोटा मोटा धंधा करने वाला, ये लोग क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें ये तीन काम करते हैं जिनकी वजह से इनकी दाल रोटी चल पाती है। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेले काम करेंगे, अकेले मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड आवर्स काम करते हैं ये, तो लिमिटेड इनकम रह जाती है इनकी, लिमिटेड इनकम ही कमा पाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नौकरी पे जा रहा है 24 घंटे हैं, तो 8 से 10 घंटे काम कर पाएगा और उस हिसाब से सैलरी मिल पाएगी उसको। और एक्टिव रहते हैं तो पैसा आता है, काम पे जाएंगे तो ही पैसा कमा पाते हैं, काम पे नहीं जाते तो पैसा नहीं आता, जैसे घूमने चले गए, छुट्टी कर ली। लेकिन इधर वाले ठीक उल्टा करते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट ना करके टीम वर्क करते हैं। सॉरी, ये क्या करते हैं, अनिल अंबानी का उदाहरण ले अपन, तो गली गली चौराहे पे रिचार्ज की दुकानें खोल रखी है, रिलायंस फ्रेश खोल रखे हैं, पेट्रोल पंप खोल रखे हैं। इसके लिए 5 लाख लोग भी काम करते हैं और एक आदमी रोज 10 घंटे भी काम करता हो तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख घंटे काम हो गया। तो अनलिमिटेड इनकम आती है और पैसिव इनकम आती है, ये बीमार पड़ जाता है तो भी पैसे कमाता है, घूमने चला जाता है तो भी पैसे कमाता है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं ये तीन काम करना बंद कीजिए, अगर आपको अमीर बनना है तो अपने काम में ये तीन काम करना स्टार्ट कीजिए, तो आप इस भीड़ से निकल के इधर आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इधर से निकल के इधर आए कैसे, ये तीन काम करे कहीं में, क्योंकि स्कूलों में तो ये सिखाया जाता है, बाबर कब आया, हुमायूं कब आया, कौन सी लड़ाई कब हुई थी। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है अब ये तीन काम करे कहीं में। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब में कहते हैं दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन बिजनेस, बिजनेस करने के लिए आपके पास चार चीज़ें होनी चाहिए तो आप कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट, आज कोई भी बिजनेस करें अपन तो करोड़ों रुपया चाहिए। उसके बाद उस बिजनेस का पूरा पूरा नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज़ पूरा पूरा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनियां हैं आप उनसे लड़ेंगे कैसे। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका बिजनेस नहीं चला और आपने जो करोड़ों लगाया था वो डूब गया तो घाटा सहन करने की ताकत होनी चाहिए। तो यहाँ के इंसान घबरा जाता है और वो बिजनेस नहीं कर पाता, फिर सवाल पैदा होता है कोई और ऑप्शन। तो दूसरा और एकमात्र ऑप्शन है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब में बताया। अब आपका अगला सवाल यही होगा कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो इसको समझने के लिए अपन ट्रेडिशनल बिजनेस को समझ लेते हैं। एक कंपनी होती है जो मार्केट में माल बनाती है और कस्टमर उसे खरीदता है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते, इनको मिलाने के लिए कुछ बिचौलिए हैं। जैसे कस्टमर क्या करता है, टीवी पे हर चीज़ का ऐड देखता है, ऐड से प्रेरित होकर जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर लाता है माल स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट माल लाता है होलसेलर से, होलसेलर माल लाता है C&F से, C&F लेके आता है माल कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ 3 से 4 रुपए में बना तो इसको मिलता है 5 में, इसको 6 में, इसको 7 में, इसको 8 में, इसको 9 में, और यहाँ आते आते 10 का हो जाता है। 60-70% मार्जिन इन बिचौलियों में बढ़ता है, ये कहलाता है ट्रेडिशनल व्यापार। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट कंपनी से माल उठाया जाता है, यहाँ पे कस्टमर को दिया जाता है और कस्टमर की कनेक्टिविटी कंपनी से करवाई जाती है। बीच में होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, प्रोडक्ट अभी भी 3 से 4 रुपए में ही बनता है, लेकिन क्वालिटी पहले से सुधारी जाती है और इनको बाईपास किया जाता है। प्रोडक्ट का ना तो अब टीवी पे ऐड आएगा, ना रिटेलर बेचेगा, ना कोई होलसेलर, ना कोई C&F, प्रोडक्ट सीधा यहाँ से उठा के इसको अभी भी 10 रुपए में ही दिया जाता है कस्टमर को। लेकिन अब इससे कहा जाता है अगर प्रोडक्ट पसंद आया आपको
तो आप ही अब इसके सलमान खान हो, आप इसके होलसेलर, आप ही रिटेलर, आप आगे जाके बताइए दूसरे को, वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा, वो पांचवे को बताएगा, फिर माल बिकेगा। और जो ये 60-70% पैसा बट रहा था बीच में, वो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास बसता है, और हर कंपनी अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से वापस कस्टमरों को ये पैसा बांटती है। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, ग्राहक के जरिए ग्राहक से माल बिकवाना और बिचौलियों का पैसा वापस ग्राहकों में बांट लेना। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको समझ में आया? जी हाँ। तो अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, हमारी कंपनी के साथ अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है रिटेल इनकम। कोई भी चीज़ आपको MRP पे नहीं मिलने वाली, MRP पे इसलिए नहीं मिलने वाली क्योंकि आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे माल मिलेगा ना कि MRP पे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई बड़ा आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख नहीं लगाना, जो भी आपका घर का बजट हो 10,000 20,000 30,000 उसमें ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ आपने 10,000 का माल लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो पहला आपका इनकम रिटेल इनकम। आपने एक तेल का नाम सुना होगा बाजार में काफ़ी बिकता है, इंदुलेखा। 200 ml की बोतल लेने जाएंगे आप इंदुलेखा की मार्केट में, तो उसका कॉस्ट लगभग 940 रुपये या 950 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। हमारे यहाँ 200 ml का कॉस्ट है, MRP 380 है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको 270 का पड़ेगा। तो 110 रुपये रिटेल मार्जिन हुआ, जो हुआ लगभग 40%। तो 40% लेस में माल मिलेगा। ऐसे ही हर प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन्स हैं, 8% से लेके 63% तक का रिटेल मार्जिन है हमारे प्रोडक्ट्स के पे। तो आप प्रोडक्ट को रिटेल करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते इस इनकम से, क्योंकि वही लिमिटेड आवर्स हैं आपके पास, आप कितनी देर माल बेच लेंगे। तो हमारी दूसरी इनकम जिससे आप टीम डेवलप कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं, क्योंकि जो टीम बनाता है वो अमीर बनता है। दूसरी इनकम का नाम है वीकली सेल्स टर्नओवर बोनस। नाम से ही पता चल रहा है कि वीकली मिलता है, सेल्स पे मिलता है, और जितना टर्नओवर होता है उस पे मिलता है। तो यू में आप अपने आप को माने कि आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना मनचाहा प्रोडक्ट लिया। ऑर्गेनाइजेशन वन, ऑर्गेनाइजेशन टू, यहाँ आपको दो टीमें बनानी होती है। कंपनी का हफ्ता चालू होता है शनिवार को, क्लोजिंग करती है शुक्रवार को। मैंने आपको शुरू में दो ब्रांड दिखाए थे, ऑन एंड ऑन और एलिमेंट। अगर आपका 100 रुपये का माल बिकता है इन दो ब्रांड्स का, तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 75%। और जो लेटेस्ट अभी हमने एक साल पहले लॉन्च किए MI होम न्यू स्टार वाले ब्रांड, उस पर अगर 100 रुपये का माल बिकता है तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 33%। बिजनेस वॉल्यूम से मेरा मतलब है जितनी भी सेल होगी उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, क्योंकि कंपनी के और भी खर्चे हैं, तो वो पैसा उनमें जाता है टैक्स वगैरह में, ट्यूर्स देने में और अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ प्रोडक्ट वाइज बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, ब्रांड वाइज बिजनेस वॉल्यूम है। तो इस बिजनेस वॉल्यूम को दोनों साइड निकाला जाता है सेल के, और उसके बाद उसकी मैचिंग की जाती है। जितना बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है उसका 12% कमीशन आपको कंपनी बुधवार को खाते में ट्रांसफर करती है TDS काट के। यहाँ एक नंबर का लीगल इनकम आता है, कुछ भी टैक्स वैक्स चोरी नहीं किया जाता है। तो यूं में आप अपने आप को माने आपने 10,000 दिया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर मैंने आपसे कहा एक लिस्ट बनाइए जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनकी, क्योंकि यहाँ के सलमान खान आप ही हैं। तो आपने एक लिस्ट बनाई 100-200 लोगों की, उनमें से अपन ने 10 लोगों को छाटा, और इस बिजनेस को जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही मैं आपके साथ चला और आपके लोगों को दिखाया। तो आपको क्या लगता है अगर 10 लोगों को ये बिजनेस दिखाया जाए तो 10 के 10 हाँ करेंगे? हाँ, आप सही हैं, 10 के 10 हाँ नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ 10 में से कोई 2 तो हाँ करेंगे। ओके, तो एक आपके दोस्त थे राम जिन्होंने 10,000 का माल लिया, एक आपके दोस्त थे श्याम उन्होंने भी 10,000 का माल लिया। तो आपने राम को इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइजेशन वन और श्याम को ऑर्गेनाइजेशन टू। इन दोनों ने 75% बिजनेस वॉल्यूम वाला माल लिया था एलिमेंट और ऑन एंड ऑन का। तो मैंने यहाँ 10,000 का 75% बिजनेस वॉल्यूम निकाला, 7,500 बीवी, और इधर भी 7,500 बीवी। फिर मैंने कहा था कंपनी मैच करेगी, तो 7,500 इधर 7,500 इधर, मैच हुआ 7,500। इस 7,500 का 12% कंपनी आपको ट्रांसफर करेगी खाते में 900 रुपये, जिसमें से TDS कट के आपके खाते में बुधवार को पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले आप अकेले थे, अब मिलके 3 लोग हो गए, तीनों ने मिलके काम किया। अगले वीक राम ने अच्छी सेल दी और इधर सेल आई 50,000, या मैं यूँ कहूँ 60,000 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक बार। इधर शाम ने थोड़ा कम काम किया या अपने काम में बिजी रहा, तो इधर सेल 40,000 की आई। अब की बार भी 75% बीवी वाला ही माल बिका, तो 60,000 का 75% हुआ लगभग 45,000 बीवी, और 40,000 का 75% हुआ 30,000 बीवी। अब मेरा आपसे सवाल है, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मैं आपको मैचिंग समझा पाया या नहीं समझा पाया,
7,500 की सेल इधर हुई, 7,500 की सेल उधर हुई, तो मैच हुआ 7,500। अब इधर सेल हुई 45,000, इधर सेल हुई 30,000, तो आपके हिसाब से मैचिंग कितने की होगी? मैचिंग होगी सर 30,000। राइट, एकदम सही कहा आपने, 30,000 कंपनी का सॉफ्टवेयर इधर से लेगा, 30,000 इधर से लेगा, क्योंकि इधर 45,000 नहीं है लेने के, तो 30,000 कंपनी का सॉफ्टवेयर उस वीक मैच करेगा और इसका 12% 3600 रुपए कंपनी आपके खाते में बुधवार को ट्रांसफर कर देगा। इस इनकम की खासियत है या बिजनेस वॉल्यूम जीरो नहीं होता, ये 15,000 जो आपका बचा है ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट वीक के लिए, एज इट इज आपके ऑर्गेनाइजेशन वन में रहेगा, जब भी इधर सेल आएगी मैच होके आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप अकेले थे, फिर 3 लोग, धीरे धीरे 10-15 लोग, सब ने मिलकर काम किया, अगले वीक इस टीम ने सेल दी 75,000 बीवी की, अब मैं यहाँ डायरेक्ट बीवी पकड़ रहा हूँ, और इधर वाली टीम ने सेल दी 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो 75,000 में जो आपका 15,000 पहले का बाकी था वो जुड़ गया, ये हो गया 90,000। अब मैचिंग होगी 90,000 की, और उसका 90,000 का 12% आपके खाते में कंपनी ट्रांसफर करेगी 10,800 रुपये। ऐसे ही 3 से 5 साल आप शिद्दत से इस बिजनेस को करते रहें और एक अच्छी टीम बना लें, तो 2,000 लोग अगर दोनों साइड हो जाएं और 1,000 का भी बिजनेस वॉल्यूम का मान लें मैं, तो 2,000,000 बिजनेस वॉल्यूम की सेल एक ही हफ्ते में इधर आ सकती है, और 2,000,000 बिजनेस वॉल्यूम की सेल एक ही हफ्ते में इधर आ सकती है। तो इस कंडीशन में 20-20 लाख मैच होगा, 12% 20 लाख का मिलना चाहिए 2,40,000 सिस्टम के हिसाब से, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? हर मकान के ऊपर छत जरूरी है, उसको चंद्रमा तक नहीं ले जा सकते, तो यहाँ भी 12% कॉमन है, डिफरेंस नहीं है कि किसी को अलग कमीशन किसी को अलग कमीशन, सबको समान रूप से 12% बांटा जाता है, तो एक लिमिट होना जरूरी है। इसलिए कंपनी मैक्सिमम एक वीक का जो सीलिंग अमाउंट है वो देती है 2,10,000। 2,10,000 यानी महीने का 8,40,000 आप यहाँ से मैक्सिमम बाइनरी इनकम में कमा सकते हैं। अब मैं 100 लोगों को दिखाता हूँ तो 95 के सर के ऊपर से जाता है 2,10,000 हफ्ता, यहाँ तो साल का नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बोले 2-10 भी कम है, यानी महीने का 8-40, मैं तो अपने व्यापार में ऑलरेडी 25 लाख कमा रहा हूँ, तो उनके लिए ट्राईकोड सिस्टम है, मतलब आप एक आईडी की जगह ट्राईकोड, आप 3 आईडी ले लें, 10,000 की बजाय आप 30,000 का अगर प्रोडक्ट खरीद कर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये 12% जो आपको एक आईडी से मिलना था आगे चल के 24% 36% तक बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आईडी लेते, 1,00,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर करते, 1,00,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर करते, मैचिंग होता 1,00,000 और आपको आता 12% 12,000। लेकिन अगर आपने ट्राईकोड लिया तो यही 1,50,000 यहाँ बांट दिया, 50,000 यहाँ बांट दिया, 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, तो 50,000 मैच होके 6,000 यहाँ बना, 6,000 यहाँ बना, और 1,00,000 इस आईडी पर मैच हुआ तो 12,000 यहाँ बना। तो जहाँ 12,000 आना था, ट्राईकोड का आगे चल के फायदा होता है कि 24,000 आता है, तो ट्राईकोड लेके आप इस बिजनेस में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तीसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस। कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 1.5% हर महीने सेपरेटली करती है और वो रैंक के हिसाब से बराबर बराबर बांट देती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हमारा यहाँ का पहला रैंक है, उसके लिए टारगेट है अगर वो एक मंथ में, कंपनी मंथ 4 वीक का महीना होता है हमारे यहाँ, 28 दिन के महीने में अगर आप 1,00,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर, 1,00,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर मैच करवा देते हैं तो आप इसमें हिस्सेदार बनते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अभी 4,000 से लेके 8,000 रुपए के मध्य में आता है। चौथा इनकम रैंक इनकम, जिसको नेटवर्किंग की भाषा में जनरेशन प्लान भी बोला जाता है। यू में आप थे, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन 1, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन 2, आपने 2 टीमें बना रखी थी, कंपनी कहती है अब आपको एक तीसरा टीम और क्रिएट करना होगा, वो चाहे तो आप ORG 1 में कर लें और चाहे तो ORG 2 में कर लें। 3 लेग बनाने के बाद तीनों लेगों में जिस दिन भी 2,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 2,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, उस दिन आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं स्टार सिल्वर रैंक पर आ जाएंगे। स्टार सिल्वर बनने के बाद उसकी टीम में जितना भी टर्नओवर होता है, कंपनी उसको 2% एक्स्ट्रा रैंक इनकम देती है। फॉर एग्जांपल, 10,00,000 का माल यहाँ बिका बिजनेस वॉल्यूम का, 6,00,000 का यहाँ बिका, 4,00,000 का यहाँ बिका, तो 10 और 6 16 16 और 4 20, 20,00,000 का 2% आपको 40,000 रैंक इनकम और आएगा, और मैचिंग बाइनरी में आपको 10-10 लाख की 1,20,000 आई गई, जो मैंने आपको पहले 12% वाली इनकम दिखाई वो 1,20,000 आई गई आपको।
तो ये रैंक इनकम 2% से चालू होता है और मैक्सिमम 7% तक जाता है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है। पांचवा इनकम है लॉयल्टी बोनस। ये लेने के लिए हमारे यहाँ एक लेवल है डीटीसी, इसको आपको अचीव करना होता है। 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जो मैच कर लेता है उसको डीटीसी कहते हैं 2 लेगों में। ऐसा करने के बाद अगर आपकी पूरी टीम से 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर आता है एक महीने में, 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर आता है तो आप यहाँ से मैच करवा के एक फिक्स इनकम 5,000 रुपये लॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि 4,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका तीसरी लेग में होना चाहिए तो आप इसके लिए क्वालिफाई रहते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ये टारगेट बढ़ता है, 5,000 से लेके 20,000 तक की यहाँ सुविधा है आपको पर मंथ लॉयल्टी बोनस लेने की। नौकरियों में आपने देखा होगा सिर्फ दिवाली पे बोनस मिलता है, ये लॉयल्टी बोनस आप हर महीने ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बोनस हर महीने ले सकते हैं, यहाँ हर महीने बोनस मिलता है, इनकम तो मिलती है। छठा इनकम है अवार्ड एंड रिवार्ड। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप कुछ करें, जैसे मैंने आपको बताया अभी 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 3 लेगों में अगर कोई भी मैच कर देता है, कभी भी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, तो आप स्टार सिल्वर बन जाते हैं और आपको 2% रैंक इनकम चालू हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप 10 वीक में कर दें शुरू करने के तो 25,000 का लैपटॉप फंड और मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट रैंक 7.5 लाख अगर आप 3 लेगों में मैच कर देते हैं तो आप स्टार पल हो जाते हैं, रैंक इनकम आपका 3% हो जाता है चाहे कभी भी करें। लेकिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड 18 वीक में करते हैं तो आपको 40,000 का बाइक फंड मिलता है, फिर 1 लाख का कार फंड है, फिर उससे बड़ी कार फंड है, फ्लैट फंड है, ऐसे अगर मैं मैक्सिमम में जाऊं तो 75 लाख का विला फंड तक आप हाईएस्ट रैंक को अचीव करके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ले सकते हैं। 7वां इनकम है रीपर्चेज। यू में आप अपने आप को माने, कंपनी कहती है यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए 750 बिजनेस वॉल्यूम का माल पर मंथ परचेज करना कंपलसरी है, तो यही आपकी टीम में डुप्लीकेट होता है। 2-3 साल बाद 1,000 लोग इधर होते हैं, 1,000 लोग इधर होते हैं, वो कुछ ही नहीं करते, सिर्फ 750 बीवी का माल भी लेते हैं अगर, तो 7.5 लाख का सेल इधर आएगा, 7.5 लाख का सेल इधर आएगा, मैच होगा 7.5 लाख और इसका भी 12% 90,000, यानी उन्हीं लोगों से आपको बार बार इनकम आएगा, 12% आपको फिर से आएगा। यहाँ तक कि जो आप खुद की आईडी पर रीपर्चेज करते हैं वो भी आपके वीकर साइड में काउंट होती है, आपके लेवल अचीव करने में भी काउंट होती है और उसका भी 12% आपको मिलता है। 8वां इनकम है रॉयल्टी इनकम। ये डायमंड एंड अबाउ को मिलती है, कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 0.50% निकालती है और सारे डायमंड्स को बराबर बराबर बांट देती है। और रॉयल्टी आपने सुना होगा जैसे बल्ब का आविष्कार जिसने किया था थॉमस एडिसन ने उसको मिलती है, किसी ने कोई किताब लिखी हो तो उसको मिलती है, तो हमारे यहाँ डायमंड एक आविष्कार ही माना जाता है। आपको अपने डायरेक्ट से 4 टीमें बनानी होती हैं और जिस दिन चारों टीमों में 5-5 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम आप करवा देते हैं पूरी टीम के जरिए तो आप यहाँ डायमंड रैंक पर पहुँच जाते हैं और आप इस रॉयल्टी के हकदार होते हैं। कंपनी का पहला लेवल अचीव करते ही टीम कोऑर्डिनेटर कंपनी आपको 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है जिसका आपको कोई प्रीमियम नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा आपको यह नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है। इस व्यापार को करते हुए कोई भी अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी आईडी एज इट इज़ उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाती है और जितना भी उसने बिजनेस बनाया था वो बिजनेस एज इट इज़ चलता है और उसके नॉमिनी को वो इनकम जाता रहता है। मतलब आज एक कलेक्टर अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है अगर आप जिस पोजीशन पे हैं और इस दुनिया में नहीं भी रहा अगर कोई व्यक्ति तो एज इट इज़ उस पोजीशन से उस ये बिजनेस उसके नौकरी को ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ मेरी बात ख़त्म हुई। अब आपका कोई भी डाउट या प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे पूरा क्लियर करूँगा, उसके बाद मिलकर इस बिज़नेस को करते हैं और इतिहास रचते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज।